विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच वेस्टइंडीज के इस खिलाड़ी ने खड़ी कर दी मुसीबत। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रही एक दिवसीय मैचों की सीरीज का पहला मैच खत्म हो चुका है। पहले ही मैच में भारत को 8 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की सीरीज में वेस्टइंडीज ने अब 1-0 से लीड ले ली है। भारत को अगर अब यह सीरीज जीतनी है तो उसे बाकी बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे। पहले वनडे में मैच में कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान रोहित शर्मा दोनों का ही बल्ला ज्यादा नहीं चल सका। हालांकि मध्य क्रम में ऋषभ पंत और श्रेयस ने पारी को संभालने का काम किया। अब हम बात करते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा के सामने आने वाली नई मुसीबत के बारे में। पहले मैच में विराट कोहली 4 और रोहित शर्मा ने 36 रन ही बनाए। इस साल यानी 2019 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में यही बल्लेबाज सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन पहले मैच में शानदार सैकड़ा जड़कर सू होप ने इन दोनों के सामने मुसीबत पैदा कर दी है। साल 2019 में वनडे में सबसे ज्यादा रन कप्तान विराट कोहली के हैं, उन्होंने अब तक 1292 रन बना लिए हैं। वहीं रोहित शर्मा भी ज्यादा पीछे नहीं है, वे दूसरे नंबर पर काबिज हैं और उन्होंने 1268 रन बना चुके हैं। विराट कोहली ने अब तक 24 वनडे मैच खेले हैं जिसमें 1292 रन बना चुके हैं, उनके 5 शतक भी शामिल हैं। वहीं रोहित शर्मा ने 36 वनडे मैच खेले हैं और उनमें 1268 रन बनाए हैं। रोहित ने अब तक इस साल वनडे में 6 शतक जड़े हैं। रोहित शर्मा अब विराट कोहली से मात्र 24 रन ही पीछे हैं और दोनों खिलाड़ियों को अभी इस साल 2 मैच और वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलने हैं। ऐसे में बाकी बचे 2 मैचों में जंग और भी रोचक हो सकती है। वहीं दिक्कत की बात यह है कि पहले मैच में शतक लगाने के बाद साई होप तीसरे नंबर पर आकर खड़े हो गए हैं। होप ने अब तक इस साल 26 मैच खेलते हुए 1225 रन बना लिए हैं। वे अब दोनों खिलाड़ियों से ज्यादा पीछे नहीं हैं। मजे की बात यह है कि तीनों टॉप 3 बल्लेबाजों को अभी 2 मैच और खेलने हैं और वह भी एक दूसरे के ही खिलाफ। ऐसे में साल खत्म होते होते कौन सा खिलाड़ी आगे निकल जाएगा यह कहना मुश्किल नजर आ रहा है। यहाँ एक और विराट कोहली ने इस साल 5 शतक जड़े हैं, वहीं रोहित शर्मा ने उनसे 1 शतक आगे हैं। हालांकि सू होप भी 4 शतक लगाकर बिल्कुल करीब आ गए हैं। अब वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में कौन सा खिलाड़ी आगे निकलेगा यह देखना काफी दिलचस्प होगा। मजेदार बात यह भी है कि T20 की जंग तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच चल रही थी, वह बराबरी पर आकर खत्म हो गई। ना कोई जीता और ना किसी ने हारा। अगर इससे पूछा जाए कि T20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन है तो आप किसी एक खिलाड़ी का नाम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस पर 2 बल्लेबाज काबिज हैं और वे दोनों ही भारतीय खिलाड़ी हैं। T20 में विराट कोहली ने 2633 रन बनाए हैं, वहीं रोहित शर्मा भी 2633 रन बनाकर उनकी बराबरी पर हैं। इसके बाद भी अगर नंबर 1 की बात की जाए तो उस स्थिति में आप विराट कोहली का नाम ले सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली ने रोहित शर्मा से कम मैच खेले हैं। विराट कोहली ने अपने 75 T20 इंटरनेशनल मैचों में 2633 रन बनाए हैं, वहीं रोहित शर्मा को इतने ही रन बनाने के लिए 104 मैच खेलने पड़े। विराट कोहली का औसत भी रोहित शर्मा से बेहतर है। विराट कोहली ने ये रन 52 की औसत से बनाए हैं, वहीं रोहित शर्मा की औसत करीब 32 का रहा। हालांकि स्ट्राइक रेट की बात करें तो दोनों फिर बराबरी पर ही खड़े हैं। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 138 है और रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट भी 138 का रहा है। तो इस जंग में विराट कोहली रोहित शर्मा से आगे निकल पाएंगे या रोहित शर्मा विराट कोहली से, अपना सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।